की रहने वाली एक पीड़ित महिला ने अपने मनबुदी पति को शराब पिलाकर मकान का गांव के ही रहने वाले लोगों द्वारा बैनामा कराए जाने से परेशान होकर एएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। यहां एक शिकायत पत्र भी दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर खड़ी इस पीड़िता का नाम पुष्पा देवी, पत्नी विजय वीर सिंह, निवासी नगला फूल सहाय थाना बनाहाल है। यह पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें उसने बताया है कि उसका पति विजय वीर सिंह पुथर प्रसाद शराब, गांजा, भांग के नशे का आदि था, जिसके चलते उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया। जब से उसके पति का दिमागी संतुलन खराब हुआ, तब से उसने उसकी चल अचल संपत्ति की कोई खरीद फरोख्त ना करे, इसके लिए उसने इश्तेहार भी जारी करा दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी वर्ष 2010 28 जून के दिन उसके पति को गांव के रहने वाले विश्वनाथ सिंह पुत्र कप्तान सिंह ने उसके मकान का बैनामा करा लिया, जिसके बाद से लगातार वह बैनामा निरस्त कराने की मांग करती आ रही है, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा बैनामा को निरस्त नहीं कराया गया। पीड़ित पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए बैनामा के निरस्तीकरण की मांग की है। पुष्पा देवी, आज एसपी साहब से शिकायत करने आप आई हूं, क्या मामला है? मामला है, हमारे पति है, हमारे मांड से कुछ संतुलन खराब है, तो उन्होंने बैनामा करवा लिया हमारे घर का, उससे जगह पड़ी है, उस पे भी कब्जा करना चाहते हैं। कौन लोग हैं? यादव। शिकायत की थी आपने? क्या हुआ उसमें? किसी ने नहीं सुनी मेरी, थाने गए, चौकी गए, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आज आप किससे मिलने आई हो? एसपी साहब से। क्या चाहती हो? चाहते हैं मुझे घर मिलना चाहिए।